There's no way that you make it. And maybe you can fake it. मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर में सीखेंगे धातु रूप। इसको सीखने से पहले आपको कुछ थ्योरी याद करना होगा, ठीक है। मूल धातु बदलना होगा, ये जो पा है मूल धातु है, इसका परिवर्तित रूप या बदला हुआ रूप भी होता है। घा का जिगर होता है, नी का नय होता है, नृत और हस का हस, पट का पट। आपको इतना याद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये लट लकार के चिन्ह है, ती त अंति सी त थ आमी आव आम, इसको याद कर लेना है। ये लट लकार का चिन्ह है, तू ता अंतु धातु तम त आनी आव आम, इसको याद कर लेना है। ये लल लकार का साइन है अ प्लस, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अ प्लस त ताम न विसर्ग तम त म आव आम, ये विधि लिंग है। एक एताम एव ए एतम ए एम एव ए, बस आपको इतना याद करना, ठीक है। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आपका काम रहा याद करना। प्रश्न कैसे क्रिएट होते हैं अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि सब बोर्ड वाले क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। सबसे पहले अब ये देखिए, ये जितना भी परिवर्तित रूप है यहाँ पे, इसमें से यहाँ पे नौ साइन है, नौ इसमें भी है, नौ चौका 36 साइन दिखाई दे रहे हैं, और 36 साइन दिखाई दे रहे, इसमें से कुछ भी जुटा रहे इसमें, जैसे आपसे इसमें पी है, इसमें से आपको कुछ भी जुटा रहे ये सब, और आपसे पूछे पिबाम में मूल धातु क्या है। ये पिबाम ही नहीं, पिबती पिबत पिबंती, यानी उस पिब में ये पिब है ना, मान लीजिए वर्ड, इसमें ये जो हमने बोला कि ये 3600 जुड़ा हुआ हो, चाहे ये जुड़ा हो, 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 ये जुड़ा, कुछ भी इसमें जुटा हुआ हो और उसका परिवर्तन, उसका मूल धातु पूछे तो उसका मूल धातु होगा पा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया कि पिबामा में मूल धातु क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, पा। जैसे यहाँ घरा है, जिग्र है, इसमें पूछ दिया जिग्र, ऐसे लिख देगा वर्ड, पूछेगा जिग्रानी में मूल धातु क्या है, तो आपको सोचना है जिग्र कहाँ से निकला है, तो घरा से निकला है। सिर्फ वहीं पे जाकर तुम्हें सोचना है ये जिगर कहाँ से निकला है, घरा से निकला है, तो जिगरानी में मूल धातु क्या है, जिगर है। अब एक गच है, इसमें कुछ भी हमने कहा ये 36-45 साइन होता है, सबके नौ नौ होते हैं, पांच लकार है ना, तो सब दो लिख, तो इसमें गच में समझ लीजिए कुछ भी जोड़ दिया, मान लिया फिर वही जोड़ दिया ये वाला, पूछेगा गच्छेत में मूल धातु क्या है, तो गच्छेत यानी इसको भूल जाओ, तुम यहाँ गच को देखो कहाँ से निकला है गच, कहाँ से निकला है गम, गम से, इसकी मूल धातु जो होगा गम होगा, ठीक है। इसकी सारा प्रश्न कैसे क्रिएट करता है, कैसे पूछता है, वो पूछेगा आपसे कि इसमें कुछ जोड़ देगा, मान लीजिए कोई इसको उठा लीजिए, नृत्य को उठा लीजिए, कुछ पठे को उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, समझिए यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए इसी को उठा लीजिए, पीवे को उठा लीजिए, इसमें मान लीजिए ए जोड़ दिया पीवे, और मान लीजिए ए जोड़ा हुआ है, एक ले पीवे नहीं चाहे कुछ भी, अब इसको उठा लीजिए, गच को ही उठा लीजिए, और मान लीजिए ये वाला, ये वाला, ये वाला भी नहीं किसी में सिखाया, इसका जो भी बनेगा पर अ पहले जुड़ के अ, मान लीजिए इसको उठा रहा था अ, तब पूछेगा अ गच
किस लकार का रूप है? और किस लकार का रूप है? एक बात याद रखना, जिसके पहले अगर और लग गया है तो आप उसको आंख मुमकिन लगा वाला, जिसमें अब शुरू में ही लग गया हो तो उसमें क्या बता दोगे आप? लग लगा। अब जैसे मान लीजिए अपीबत में कौन लकार है, किस लकार का रूप है अपीबत? तो पहले ही बता रहा हूँ, जिसमें अ लगा होगा उसको हम लोग क्या बताएंगे? लग लकार। ठीक है, तो इसका साइन भी है, देखिए इसमें कम तना में होता है, लंग लकार का चीन होता है, जो मैंने पहले ही बोला है कि आपको इसको याद करना होगा। टाइप नंबर टू क्वेश्चन का हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप इसमें क्रिएट करेगा, तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो मूल धातु क्या है, एक किस लकार का रूप है, और तीसरा जो पूछेगा आपसे, तो पांचों लकार है ना, तो पांचों लकार में से किसी एक लकार का नाम लेने वाला है आपसे, पांचों लकार है तो किसी भी एक लकार का नाम लेने वाला। तो जानते हैं संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्वि वचन और एक बहु वचन। ठीक है, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रश्न क्रिएट करेगा, पट धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष द्वि वचन में क्या होगा? तो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष अगर द्विवचन में जाएंगे तो पट का परिवर्तित रूप पट होता है, तो आपको बताना होगा कि पट। उसी तरह से पूछ देगा गम धातु के लोट लकार, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, इसका बोला आया था गम का, गमे का मान लीजिए गम के लोट लकार उत्तम पुरुष द्वि वचन, सबसे पहले उस गम का आपको परिवर्तित रूप लिखना होगा, तो गम का परिवर्तित रूप क्या होता है? गच्छ होता है। अब यहाँ साइन लट लकार का उत्तम पुरुष का द्वि वचन का है, तो ये वाला है, उसमें आ जोड़ देंगे, यानी आपका आंसर गच्छा होगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे दृश्य मिस्टेक से लिखा गया था, ये दृश्य होता है जिसका परिवर्तित रूप पश्य होता है, इसका परिवर्तित रूप क्या है? अपरक्ष का बदला हुआ रूप प्रीति। कोई पूछे कि भू धातु के लिट लकार के, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस भू का परिवर्तित रूप भविष्य, पट का पठिष्य, तो आपको कोई कहे कि पट है धातु के लिट लकार लिखे, तो आपको कुछ नहीं, इस पट ही पट में जो पठिष्य है और उसमें लट लकार का चिन्ह आपको जोड़ देना है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति 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 पठिष्यामि पठिष्यावा पठि।